कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य में बेमौसम हुई बारिश से फसलों को किसी तरह का नुकसान होने की आशंका नहीं है। बावजूद इसके जिला कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी इलाके में कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट भेजें और उसी के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि अभी भी फसल खेतों में ही है और किसानों को फसल उत्पादन में किसी तरह की आर्थिक क्षति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में धान खरीदी आगामी 1 दिसंबर से ही शुरू होगी। कोई नुकसान होगा नहीं और जो बहुत अर्ली वैरायटी के फसल किसानों ने अपने खलिहान तक ले आया है वो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमने इस संदर्भ में कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कहाँ कितना नुकसान हो सकता है उसको आकलन करके वो रिपोर्ट भेजेंगे। जहाँ तक धान खरीदी का सवाल है, हमने 1 दिसंबर की तारीख तय किया है, धान खरीदी 1 दिसंबर से ही प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने विपक्ष से भी आग्रह किया कि वे भी रचनात्मक रूप से विरोध करें। आहूत किया गया है, हमेशा इतनी बैठकों की शीतकालीन सत्र होता है, हमारी पूरी तैयारी है, हमारी योजनाओं को लेकर के, गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, हमारी नई योजनाओं को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे। हम प्रतिपक्ष से भी उम्मीद करते हैं वो विरोध करे, रचनात्मक रूप से सुझाव दे, हम उनके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा।